सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सारे? होप सो सारे के सारे बढ़िया होंगे, और नहीं होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। सो फाइनली आज हम लोग एक और रिएक्शन, आज हम लोग फाइनली एक ट्रैक जिसका नाम होने वाला है मौसम। एंड यू ऑलरेडी नो, मतलब कि यू नो हम लोग अभी बेस्ट कोलैबोरेशन पर रिएक्शन कर रहे हैं। सो ये गाना आया हुआ है सुशांत केसी की तरफ से फीचरिंग योद्धा, मतलब वॉट अ कोलैब, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा अपन डीकोड करेंगे वीडियो को। बिफोर दैट, ऑल द नेपॉप लवर्स, ऑल द नेपाली म्यूजिक लवर्स, मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब करो एंड तुम्हारे भाई को 50K पहुंचाओ। ठीक है, दैट्स द सीन। अभी सीधा ना घुसते हैं, डीकोड करते हैं, मजे करते हैं, वी गॉट द ट्रांसलेशंस टू। सो आ जाओ भाई, आ जाओ यार। मतलब यू नो बहुत टाइम से इसके सजेशन आ रहे थे, तो मतलब मैं खुद बेताब हूँ यू नो इसको डिकोड करने के लिए। दैट्स द सीन, इतनी खुशी मेरे को अंदर से हो रही ना भाई, आज अपन फाइनली इस गाने पे रिएक्ट कर रहे हैं। दैट्स द सीन, आ जाओ आ जाओ, लेट्स गेट इट लेट्स गेट इट। सॉन्ग जो कि मतलब जैसे अपन बोलते ना कि आई एम नॉट गेटिंग ओवर हर, यू नो लाइक अपन अपने फ्रेंड्स को भी बताते ना कि यार मुझे एक लड़की मिली है, यू नो मतलब उसके थॉट्स में बाहर ही नहीं आ पाता हूँ, समझ रहे हो? या अपन खुद को बैठ के बोलते हैं यू नो कि अरे यार ये मेरे को क्या हो गया, मैं पूरे टाइम उसके बारे में सोच रहा हूँ, लाइक यू नो। सो अभी लास्ट टाइम भी ये बोली ना कि मतलब यू नो आई कीप थिंकिंग ओनली अबाउट यू, यू नो ऑल द टाइम, दैट्स द सीन, यू नो। और बेसिकली मतलब बोलते ना कि उसके नखरे, हर एक चीज़ अपने को याद आती रहती है एवरी टाइम, ठीक है। और ये सब मतलब मैं इतनी तेरे को याद कर करके बेसिकली थक गया हूँ, दैट्स द सीन। मतलब इतना याद किया मैंने तेरे को, दैट्स द सीन। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब यू नो दीज रेनी नाइट्स, यू नो एंड दे आर गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, एंड इफ़ आई हैड यू हियर नेक्स्ट टू मी माई हार्ट वुड स्लो डाउन सम मोर, मतलब इट्स लाइक राहत मिल जाती, यू नो। सो ये प्रॉपर फैक्ट से पता है, मतलब जैसे कि मैंने ये सेम फील किया, जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था ना, तो मिलने से पहले हार्ट बीट हमेशा फास्ट रहती थी, ठीक है, मतलब हमेशा, मतलब दैट्स अ सीन। और जब हम मिलते थे ना, तो मतलब हर एक चीज़ स्लो डाउन हो जाती थी, समझ रहे हो? दैट्स अ सीन, मतलब मुझे राहत मिल जाएगी। बट पता है सीन ऐसा होता नहीं कि उस टाइम पे हम तो स्लो हो जाते, बट वक्त हमेशा तेज चल रहा होता है यार, पता नहीं क्यों, मतलब ठीक है। और मैं ना हमेशा विश कर रहा होता कि भाई वक्त भी वैसे ही चले जैसा मेरा दिल चल रहा है, मतलब एकदम धीरे धीरे, यू नो सुकून के साथ में। तो पर ऐसा हो नहीं सकता, वक्त किस लिए रुकता नहीं है ना, दैट्स द सीन। पर कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। बट हर एक चीज़ एक फैक्ट लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारी बातें भाई, आ जाओ डिस्कस करते हैं सबके बारे में। यो रुक जा पहले इसको डिस्कस कर लेते ढंग से, ठीक है। इट्स लाइक कि मतलब आई नो दैट फीलिंग, यू नो जब बंदा अपने ना यू नो प्रॉपर ड्रीम गर्ल के साथ ना पहली बार आता है ना प्यार में, तब ऐसी सब चीज़ें होती है। लाइक ही इज़ लाइक टेलिंग कि भाई मतलब अगर मैं
मेरे से हो सकता ना तो मैं हर दिन तेरे साथ रहना चाहता, 24 घंटा दिन का तेरे साथ रहना चाहता, मतलब हर एक मिनट तेरे साथ रहना चाहता, एवरी डे ऑफ द वीक यू नो मैं तेरे साथ रहना चाहता। दैट्स द सीन मैन, यू नो ऐसा ही होता है। मैं कल अपने फ्रेंड्स का डिस्कस कर रहा था ना यही सब चीज़ों के बारे में, लाइक नॉट प्रॉपरली मतलब लव्ड वन के बारे में, बट मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ ना कि मतलब यार कैसा होता ना कि अपने अपने को जो 35-40 में अपन अचीव करने वाले जिंदगी में जितना पैसा कमाने वाले, मे बी सब अपने को यार क्यों नहीं इतना जल्दी मिल जाता कि यू नो अपने पास टाइम रहे आराम से अपने लव्ड वन को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, अपना हर एक वक्त दे पाए, यू नो हर एक मिनट उनको दे पाए और खुशी ले पाए। क्योंकि लाइक इट्स लाइक अपन इतना ज़्यादा जिंदगी में आगे भी तो इसलिए बढ़ना चाहते हैं कि अपन अपने लव्ड वन को खुश रख पाएँ, यू नो अपने क्लोज वन को खुश रख पाएँ, यू नो उनका टाइम स्पेंड कर पाए, तो क्यों ना अपने को सबको जल्दी मिल जाता है ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है वैसे यू नो। और पर यू नो डेफिनेटली आई प्रे फॉर एवरी वन, ठीक है, जो भी अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहता है तो उनको जल्दी मिले यू नो, ताकि सबको अपने क्लोज वंस के साथ टाइम मिले, दैट्स द सीन, मतलब जितना जल्दी हो सके। तो या मैन वो यही बोल रहा है, ये सब उसकी कुछ विशेष है कि मतलब क्या मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वर्ल्ड क्या कहेगा, पर मैं हर वक्त तेरे पास में बैठना चाहता हूँ, तेरे को टाइम देना चाहता हूँ, यू नो राइट नेक्स्ट टू यू नो, दैट्स द सीन मैन। ओ मैन लेट्स गो भाई, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये। आजकलकै बाछु मन भयो बेकाबु, मलाई याद मात्र होइन आउँदछ देजाभु, पल चल पल दिने केटा हुँ, तिम्रो फ्लर्ट गर्ने टेक्स्टहरूलाई म के थानु, कति दिन भयो मन छ जोखिम वर्षा भएको दिन, बस्दिन एकछिन तिमीलाई नसोची, भए म दोषी तिम्रो रूप देखेपछि, मैले झुट देखे कि मलाई लाग्दैन रातभरि निन्द्र, खाली तिम्रो चित्र छ आँखा चिम्लिँदा, मलाई आउन देऊ मैन, रुक जाओ भाई, यू नो मतलब वो बोलता है कि यू नो आजकल ऐसा लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया मेरी जिंदगी में, यू नो एंड मेरा दिल मतलब यू नो कंट्रोल में नहीं रहता है व्हेन आई एम अराउंड यू, ठीक है, दैट्स द सीन। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैं सिर्फ थिंक नहीं कर रहा हूँ तेरे बारे में, मैं तुझे पहले से जानता था, समझ रहे हो, यू नो इट्स लाइक देजा वो, देजा वो इट्स लाइक ए सिचुएशन, जैसे कि अपन कोई सिचुएशन में होते हैं और अपन उसको देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, यू नो तो वी फील लाइक कि यार ये सब चीज़ अपने साथ पहले हो चुकी है, समझ रहे हो, तो ये सेम चीज़ें मैं करता हूँ, ये सेम चीज़ें यू नो मैं अपनी लॉर्ड वन के साथ करता हूँ, कि अगर वो पूछती ना कि मतलब यू नो वाई मी, तो आई टेल कि मतलब हर एक चीज़ वैसी है जैसी मैं सोचा करता था, यू नो इट्स लाइक कि ऑलरेडी मैंने तुझे इमेजिन कर लिया था, भले तू एग्जिस्ट मेरी लाइफ में अभी करती है, बट मैंने सब कुछ पहले इमेजिन कर लिया था कि तेरा नेचर ऐसा होगा जिससे मैं प्यार करूंगा, बेसिकली उसका नेचर ऐसा होगा, उसकी स्माइल ऐसी होगी, वो ऐसी दिखेगी, ऐसा बिहेव करेगी, तो यू नो इट्स लाइक कि जैसे ही वो मेरी जिंदगी में पहली बार आई ना, तो मुझे पता चल गया था कि ओके शी इज द वन, यू नो दैट्स द सीन, इट्स लाइक देजा वो। इतना प्यारे वे में प्रेस कर रहा ना योद्धा यहाँ पे, इट्स लाइक वाओ मैन, हे। और आई एम नॉट समवन, ओके 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 कूल कूल, आगे सुनते भाई, आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत प्यारा सॉन्ग। हर एक दिन मेरो सजाय जे बीच मलाई आउन देऊ तिम्रो बगैंचा भित्र, कोरी रहे गी भावना भो आतंकी सोचाइ भाच बीस, थाकिसके म थाकिस मैन मैन, जो बैक एंड फोर्थ चल रही है वोकल्स की और इतना प्यारे वे में चल रही है ना भाई, यू नो तिमरे बारे, फिर उसके बाद दो पूरा टेम्पो चेंज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और मैं वीडियो भी देख रहा हूँ भाई, यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो के बारे में थोड़ा प्रेज कर दिया जाए, क्योंकि ले यार एकदम हर एक चीज़ मतलब यू नो कुछ ट्रिक ऐसे रखे गए जो टेम्पो के हिसाब से एकदम परफेक्टली जा रहे हैं, और अचानक से बीच में एक स्लो डाउन वाला टेक आता है, यू नो सिनेमेटिक वाला एकदम प्रॉपर वे में, वो भी बहुत प्यारा रखा गया है। और बहुत सारे पता है ऐसे वीडियोस में ना बहुत ज़्यादा फ्लैशी कलर्स अच्छे नहीं लगते, तो यू नो इनने उसका भी चीज़ को ध्यान रखा गया है कि यू नो एकदम एकदम वो काम वाली लाइट रखी गई है, यू नो एकदम सूथिंग सी जो आंखों को थोड़ी ठंडक देती है, और बहुत प्यारे वे में शूट किया गया है, दैट्स द सीन। और वो अभी लिरिक्स में ये भी बोलते हैं कि यू नो कि फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, ठीक है, इट्स लाइक मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया, यू नो एंड तेरे एक ग्लिम्स के बाद, ठीक है, मतलब यू नो स्लीपलेस नाइट्स जाने लगी मेरी यार, मतलब दैट्स द सीन। और मैं बस तेरे बारे में ड्रीम करता हूँ जब भी मैं अपनी आईज क्लोज करता हूँ, समझ रही, मुझे बस तू ही दिखती है वहाँ पे ब्रो, आई कैन फील यू ब्रो, लाइक डैम ब्रो। और वो बोलते हैं कि मतलब हर दिन मतलब ऐसा लगता है ना कि अगर मैं अकेला हूँ तो हर दिन एक सजा जैसा लगता है, तो मेरे को तेरे साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करना है ना, तो ताकि मैं फुलफिल्ड फील कर सकूँ, दैट्स द सीन मैन। ओ बॉय गोरी रहेगी भावना भुआ तंखी सोते भाच बीस रविवार।
समझेर बस्दा बस्दै थाकिसके म पीछे से जो लेयरिंग की गई है भाई साहब, एडी वोकल जैसा साउंड कर रहा है पता है, बीच में जो ये पैन किए गए एड लिप्स एंड लेयर्स, ओ मैन बीच में मैं जो स्लोमो टेक्स आ रहे ना भाई, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, समझ रहे हो तुम मैंने क्या बोलने की कोशिश की हो। वन ऑफ द बेस्ट कोलैब्स मतलब समझ रहे हो, एंड यू नो जिसने ऐसी चीजें देखी है ना, मतलब यू नो जिसने एक्चुअल प्यार देखा है, जिसने एक्चुअल यू नो हर एक चीज मतलब यू नो उसकी स्माइल देख के तुम कैसा फील करते हो, उसको देख के तुम कैसा फील करते हो, यू नो तुम्हारी धड़कनें एकदम काम एंड कंपोज्ड हो जाती है, समझ रहे हो हर एक चीज़, वो एकदम माइनर चीज़ है, वो सब यही लिख सकता है जो एक्चुअल वो जोन को जी के आया हो, समझ रहे हो। तो तभी वो बोलता है ना ये लाइन की, मतलब ओनली अबाउट यू आई कीप ऑन राइटिंग दीज सॉन्ग्स, मतलब दैट्स आर्टिस्ट्री यू नो, कि जो वो फील करता है वो लिखता है, यू नो दैट्स व्हाई यू नो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स है तब, और उसी को एकदम एग्जैक्टली पन्नों पे लिखा गया ना, इसलिए अब आज शायद 4-5 साल बाद अपन ये सॉन्ग सुन रहे हैं और स्टिल ये एवरग्रीन है। मतलब हर एक आशिक है ना अपनी जिस मतलब यू नो जो उसकी लव्ड वन है उससे अलग वे में प्यार करता है, बट कुछ चीज़ें कॉमन होती है, किस तरीके से स्लीपलेस नाइट्स जाती है, किस तरीके से हम उसके बारे में ड्रीम करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, हर एक चीज़ मतलब यू नो, तो कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है, उन पॉइंट्स को पकड़ के गाना लिखा गया है, यू नो आई फील दैट मैन, नो दैट्स व्हाई वी कैन रिलेट टू इट सो मच। यो जाओ भाई मेरे भाई लोग का गाना सुनो, बहुत प्यारा सॉन्ग बनाया इन लोगों ने, यू नो अगर सुन लिया है, आई ऑलरेडी नो कि तुमने बहुत लोगों ने सुन लिया है, सबने सुन लिया ऑलमोस्ट, ठीक है अभी किसने नहीं सुना तो वो भी सुनो, और जिन्हें सुना हुआ है वो वापस सुनो भाई, ठीक है, क्योंकि एवरग्रीन सॉन्ग है ना भाई, दैट्स द सीन। और या मैन क्या बोलूँ इस सॉन्ग के बारे में, सब कुछ तो बेसिकली मैंने बोल दिया है, आप चलो थोड़े कमेंट्स पढ़े जाए भाई, ठीक है। बैलन सर ने लिखा है स्ट्रेट फायर ऑथेंटिक क्लब बैंगर मैन, डेफिनेटली मतलब यू नो हर सुबह मैं ये सॉन्ग सुनना तो चाहूंगा भाई, ठीक है अपना दिन बनाने के लिए। वन सेकेंड, योद्धा प्रूव्ड हाउ वर्सेटाइल ही इज, एग्जैक्टली मैन, योद्धा इज सो मच वर्सेटाइल भाई, हर एक चीज में भाई, हर एक चीज में, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी नेपाली म्यूजिक वीडियो, यूहू निपारा स्ट्रेट वाइब्स, लेट्स गिव सम क्रेडिट्स टू द म्यूजिक प्रोड्यूसर, ही इज डो भाई, डेफिनेटली भाई, बहुत वाइब आ रही थी बीट से, ठीक है। एंड या मैन, हैप्पीनेस इज गेटिंग अ ग्रेट कोलैबोरेशन फ्रॉम बोथ ऑफ योर फेवरेट्स, एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली मैन, लेट मी नो तुम्हें ये वाला आइडिया है वो कैसा लगा, कोलैबोरेशंस वाला लेके आने वाला, तो और भी अभी आ रहे वीडियोस, ठीक है, लेट मी नो दैट एंड लेट मी नो कि ये रिएक्शन तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में बताओ, और भी चीज़ें डिस्कस करते कमेंट सेक्शन में आ जाओ, सजेशंस दो बहुत सारे, ठीक है। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैन, बाकी मिलते हैं किसी और अच्छी रिएक्शन, स्टे सेफ, टेक केयर एंड टाटा पीस। आंखों में पसंद वो तेरा मुस्कुराता चेहरा, आंचल में जो सर रखूं सफर ये मेरा ठहरा, तेरी यादों में हूं खोया, किसी गर्दिश में ना सोया, दिल तेरा जब तू खाया मैं खुद ही हूँ रोया।